like a light lighting up in the dark. You make it right. I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and alone. Hello everyone. उम्मीद करता हूँ भाई आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो भाई हमारा ये कैरिबी रॉयल रिजॉर्ट का स्टे जो है वो खत्म हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग मियामी की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले भाई चलते हैं, अपनी गाड़ी पिक करते हैं सही, और फिर आपको मियामी लेकर चलते हैं। इस गैरेज में हमारी गाड़ी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। यहाँ से जो है हम अपनी गाड़ी जो बुक की है वो निकाल रहे हैं। ओह ये देखें आप, वाह वाह वाह। ओह भाई ये चेक करें, कन्वर्टेबल टू डोर स्पोर्टिव कार। 69 का है। अच्छा इधर से हमें की निकालनी है ना। ये जहाँ पे देखें चाबी है, यहाँ से हमने चाबी निकाल। भाई लुक एट द बीस्ट। अली भाई हम जो ड्राइव पे जा रहे हैं उसका नाम क्या था? सेवन माइल ड्राइव। और उसकी क्या खासियत है? वो 7 माइल की ब्रिज है, ठीक है, जो बहुत सारे आइलैंड्स को कवर करती है। सही है। उन आइलैंड्स को कीज कहते हैं। अच्छा कीज। और ये मियामी में? मियामी में। और वैसे पता है इसको 7 माइल ड्राइव क्यों कहते हैं? 7 मील 7 माइल की ड्राइव है ये। 7 माइल की ब्रिज है। अच्छा 7 माइल की ब्रिज है। हाँ, जो पूरा आइलैंड को कनेक्ट करती है। ओ तो हम आ जाएंगे। अच्छा वहीं जाने वाले हम सीधा। अच्छा, हम वहीं जा रहे हैं सीधा। अरे वाह, ये जो घोड़ा है ना बड़ा ही महंगा घोड़ा है। दुनिया में 2 बहुत महंगे घोड़े हैं, एक फरारी का, हाँ, दूसरा मस्टैंग का। 2 घोड़े और 2 समझ तो गए। बहुत भूख लग रही है। हमने एग मफिन और हैश ब्राउनीज है ना, ये ले लिया खाते हैं। और ये साथ में मैकडॉनल्ड्स का हमारा है मैंगो पाइनएप्पल स्मूदी। धूप भी आ गई थी तो हमने ये बंद कर दिया। तो चलो भैया खाते। ये अली भाई क्या कह रहे थे, केबिन नॉइज़ कैसी लग रही है वैसे इसमें? कैबिन नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इसमें दरारें बहुत होती हैं। अच्छा, क्योंकि ये पूरी छत ओपन है एक माने में, कन्वर्टेबल के लिए इसको पूरा खुलना होता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें दरारें बहुत होती हैं इस गाड़ी में, तो हवा बहुत अंदर आती है, थोड़ा बहुत आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि एसी भी उतना इफेक्टिव नहीं होता विंटर के, जहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ती है वहाँ पे तो लोग ये गाड़ी लेते ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि वहाँ ये नहीं चलती। अच्छा, ये गर्म अंदर गर्म नहीं रह पाती है। अच्छा हाँ, और अगर ठंडी भी नहीं रह पाती अंदर, क्योंकि अभी अभी जैसे हम हाईवे पे और हमें हल्की सी इसकी शू 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 बाहर की हवा की आवाज़ें आ रही है, है ना। तो हम यहाँ से ऐसे स्ट्रेट जाने वाले साउथ। हाँ, फिर ये फर्स्ट आइलैंड है, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे जो डॉट दिख रहे हैं सेकंड आइलैंड, थर्ड, हम फोर्थ आए तक जाएंगे। टाइम रहा तो बाकी के भी देख लेंगे यहाँ तक। अच्छा, और एक एक्स्ट्रा घंटा होगा। और ये 7 माइल रोड है ये पूरी, इसी को 7 माइल ड्राइव कहते हैं। 7 माइल ड्राइव, हाँ, पूरा यहाँ तक जाती की वेस्ट तक। तो ये एंड, ये अमेरिका का एंड है। अच्छा, इसके आगे अमेरिका नहीं है कोई। वाकई में की वेस्ट? हाँ देखो एंड है, इसके आगे कुछ नहीं, यहाँ तक जाता है अमेरिका बस। नाजरीन और हजरात, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बारिश हो रही है। ये देखें पेश खिदमत है बारिश, फुल्ला वाइपर की स्पीड देख रहे हैं, धुन 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 धुन। ओहो, हमारे ड्राइव की तरफ तो हम रवा दवा हैं, लेकिन ये हमारी डिटर्मिनेशन है कि हम अभी भी वहीं जा रहे हैं। डिटर्मिनेशन नहीं, अब आ ही गए तो जाना तो है, हाँ, है ना भाई। हाँ, और देखना है क्योंकि फिर मौका तो है नहीं। अच्छा वैसे कोई अगर आया ना मियामी ऑरलैंडो आए 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, है ना।
इतने रिजॉर्ट और इतने इधर स्पॉट्स दिख रहे हैं ना हमें, रिजॉर्ट वगैरह और ये सब चीज़ें, क्या इधर आए आराम से बंदा हफ्ता 10 दिन ठीक से इन्जॉय करें। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कैलिफोर्निया काफ़ी ओवररेटेड है, बहुत है ना। ये फ्लोरिडा स्टेट बहुत प्यारी है। अच्छा ये भी है कि हमने देखा जो ट्रंप स्टेट होती है ना वो बड़ी प्यारी होती है। ट्रंप स्टेट कौन कौन सी है भाई? मुझे जितने पता है इंडियाना, टेक्सास, फ्लोरिडा, ओके, और भी बहुत है, मोंटाना है, वायोमिंग है। अच्छा ये ट्रंप स्टेट वो होती है भाई जहाँ पे भाई ट्रंप के सपोर्टर्स बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा गोरे भी ज्यादा इन्हीं स्टेट्स में रहते हैं, और गैस सस्ती होती है, रेंट सस्ता होता है स्टेट्स में, और रोड अच्छे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा होता है, अच्छा होता है मोस्टली, और सस्ती होती है, बहुत सस्ती स्टेट्स हैं ये। टैक्स नहीं होता स्टेट टैक्स? अच्छा स्टेट टैक्स नहीं है कैलिफोर्निया में? स्टेट टैक्स बहुत ज्यादा है, यानी कि ऑलमोस्ट सारे टैक्सेस मिला के शायद ऑन एवरेज 33% तक चला जाता है आराम से, है ना। तो भाई लेकिन इधर ये सब नहीं होता, तो भाई मुझे तो थोड़ी थोड़ी कैलिफोर्निया ओवर रेटेड लग रही है कि उधर बहुत ही हाइप क्रिएट है कैलिफोर्निया ये वो ऐसा वैसा, लेकिन इधर फ्लोरिडा भी आए तो भाई वाह भाई वाह मज़ा ही आ गया, इतनी साफ सुथरी इतनी ज़बरदस्त। चलें भाई देखते हैं, चलो भाई अब मेरी ड्राइविंग हो गई, वली सर आप वापस आए थोड़ी उंगड़ाई ले लो ये सीट बहुत आगे हुई भी है, पीछे कर लेना आप सर। सर रेडी? वाली सर कैसा लग रहा है? बेहतरीन, बहुत ही आला। ड्राइव का मजा आ रहा है? बिल्कुल सर, बहुत कंफर्टेबल का तो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इतनी मजेदार होगी भाई, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देखें नज़ारे, ओ हो बिल्कुल नहीं लग रही सर्दी वाली, लग रही है आपको? यानी हवा चल रही है बहुत ही मज़े की, और कन्वर्टेबल गाड़ी और साथ में मियामी का व्यू जो हम बीचेस वगैरह की तरफ जा रहे हैं, जो मैंने की बता दो ना प्यास्ता हाँ, की वो रहा प्यास्ता की। अच्छा इसी तरह जो है आइलैंड्स को की कीज कहते हैं, की हाँ। तो भाई आइलैंड्स को जो है की कहते हैं, तो अभी आपको दिखा होगा प्यास्ता की वो लोकेशन आ गई है, ठीक है। अब ड्राइव भी हमें दिखा रहा है ये 28 मिनट की, तो यानी कि बस हम लोग उधर आ गए, आसपास पानी ही पानी है भाई। अगर आप लोग भी कभी मियामी वगैरह की साइड में आए तो हाईली रिकमेंडेड है एक कन्वर्टेबल गाड़ी ले लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा, हाईली रिकमेंडेड भाई, ज़रूरी है ज़रूरी है। गाइस पहुंचो, और अभी हम 7 माइल ड्राइव पे ही है ना, है ना, अभी हम उसी पे ही चल रहे हैं, यानी कि बीच बीच में ये जो दरख्त वगैरह आ जाते हैं, फिर इसके बाद पानी आ जाता है। ये ब्रिज है, ये तो रोड है, हम आइलैंड के ऊपर है ना। हाँ ये अच्छा, ये आइलैंड जैसे आइलैंड खत्म होगा दूसरे आइलैंड को जाने के लिए ब्रिज आ जाएगी। अच्छा इस तरह से हाँ, तो देख ले हम आइलैंड के ऊपर है, और ये तभी ये साथ में जो हरा भरा जो दिख रहा है क्योंकि एक आइलैंड है, ठीक है। फिर जैसे ही आइलैंड खत्म होगा फिर दूसरे आइलैंड की तरफ जा रहे होंगे वो ब्रिज आ जाएगा, राइट, फिर उसके बाद दोबारा फिर दोबारा वाह वाह वाह। लेकिन ये अब आई थिंक हम कौन से वाले आइलैंड पे है? ये हम फैट डियर की पे हाँ, इसका नाम है फैट डियर की, ठीक है। और ये जो की है ये आइलैंड ही को कहा जा रहा है, राइट। जी तो अभी जो है हम लोग पेट्रोल भराने के लिए रुके हैं, ठीक है। तो आप चले भाई, जब तक वो पेट्रोल भराना स्टार्ट कर रहे हैं मैं आपको इसका जो है अंदर का दिखाता हूँ भाई। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है भाई, ओहो। अच्छा पीछे बैठने वालों के लिए बहुत कम जगह, लेकिन आगे को इतना कंफर्टेबल है ना, और इतनी कोई ज़बरदस्त है जिसकी इतनी बड़ा मज़ा है भाई। चले अब मेरी बारी है चलाने के, लेट्स ड्राइव। इतना मजा आ रहा है कि आहा, 7 माइल ब्रिज हमारा, इधर भी समंदर उधर भी समंदर आगे भी समंदर, यार ये बहुत बड़ा ब्रिज है, बहुत लंबा है ये, है ना। अच्छा ये 7 माइल ही है ये ब्रिज, ओहो 7 माइल तक ब्रिज है। ये इधर आप दिखाएं जरा, ये देखें ये जो आपको येलो येलो नजर आ रहा है ये ब्रिज ही है, है ना, पूरे पानी में। ओ वाओ, अरे ये इतना बड़ा ब्रिज है, वो वॉकिंग के लिए लोग चल रहे हैं ना, आप वॉक भी कर सकते हो सारा, और साथ में वो पैदल चलने वाला है। हाँ, वो जो वॉकिंग ब्रिज है वो। अच्छा यार ये कितना प्यारा लग रहा है, ये दिखाओ भाई राइट पे, ओ हो ये क्या है ये बीच में, ये भी एक की है, है ना, ये भी कोई आइलैंड टाइप लग रहा है इन लोगों ने, बहुत ही दो चार घर भी बने हुए बीच में। अरे सामने ब्रिज देखे आप, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है भाई ये, यानी कि ये तो बंदा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है,
कि क्या दिख रहा है इस वक्त ये, यानी कि फ्लोरिडा की बहुत ही कोई बड़ी खूबसूरती है हम यही कहेंगे, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार। यानी अगर आप ऑरलैंडो फ्लोरिडा यानी कि इस इन जगहों पे आएँ मियामी, तो ये वाली जगह मस्ट विजिट है। क्या ख्याल है अली भाई, है ना? बिल्कुल।